आगे जी ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, अपॉन हिज फीट एंड इन हिज हैंड अ स्टाफ दिस नोबल एग्जाम्पल टू हिज शीप ही हैव दैट फर्स्ट ही रॉट एंड आफ्टरवर्ड ही टॉट आउट ऑफ द गॉस्पेल ही दो वर्ड्स कॉट. तो मॉडर्न में देखिएगा, गोइंग अ फुट एंड इन हिज हैंड अ स्टाफ दैट फाइन एग्जाम्पल टू हिज फ्लॉक ही गेव दैट फर्स्ट ही रॉट एंड आफ्टरवर्ड्स ही टॉट Out of the gospel, then that text he caught. East Midland में देखिएगा, upon his foot, वो अपने पैरों पे चल के जाता था पूरे के पूरे इलाके में. And in his hand a staff, और उसके हाथ में एक छड़ी होती थी, एक असा होता था, एक डंडा होता था, तो उसकी मदद से वो चलते हुए सारे इलाके में जाता था, तमाम लोगों के घरों में तबलीग करने के लिए. This noble example to his sheep he yeah. एक बात आपने याद रखनी है कि जो राहबर होता है उसको चरवाहा बोला जाता है और जो लोग होते हैं उनको भेड़े बोला जाता है. क्रिश्चियनिटी के अंदर ये मेटाफर इस्तेमाल किया जाता है. दिस नोबल एग्जांपल टू हिज शीप ही गेव, अपनी जो शीप्स हैं अपने जो लोग हैं उनको ये एक नोबल एग्जांपल देता था. अब बड़ी अहम एग्जांपल आ गई है जी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने जहन में रखना है, दैट फर्स्ट ही रॉट कि पहले वो खुद कोशिश करेगा, रॉट करेगा, मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एंड आफ्टरवर्ड ही टॉट, और इसके बाद वो प्रीच करेगा, वो तबलीग करेगा, पहले खुद करके दिखाएगा फिर तबलीग करेगा. आउट ऑफ द गॉस्पेल, और इंजील में से ही दो वर्ड्स कॉट, उसने ये लफ्ज लिए हुए थे. तो उसने ये लफ्ज इंजील से लिए हुए थे कि पहले एक शेफर्ड को, एक रहनुमा को खुद अमल करना है और बाद में उसको तबलीग करनी है. मॉडर्न में देखिएगा, गोइंग द फुट एंड इन हिज हैंड अ स्टाफ, तो जैसे ही वो लोगों के घरों में जाता तो वो अपने पैरों पे चल के जाता और उसके हाथ में एक स्टाव और एक छड़ी होती. दैट फाइन एग्जाम्पल टू हिज फ्लॉक ही गिव, और अपने रेवड़ को, फ्लॉक को, लोगों को वो ये एग्जाम्पल देता. और वो एग्जाम्पल क्या थी? हाँ जी, ये आपने जहन में रखनी है जी, That first he wrought and afterwards he taught. पहले वो खुद प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा और फिर उसके बाद वो टीचिंग करेगा. Out of the gospel, then that text he caught. और उसने ये वाला टेक्स्ट जो है, ये वाली बात जो है, ये वाला मुहावरा जो है वो लिया था गॉस्पेल से, अंजील से. जी नेक्स्ट आगे जी ईस्ट मिडलैंड में देखते हैं जी आगे क्या है. एंड दिस फिगर ही एडिड ईट देयर टू That if gold rust, what shall iron do? तो मॉडर्न में देखिएगा, and this figure he added there on to, that if gold rust, what shall poor iron do? बड़ी अहम लाइन आ गई है जी, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपको ये बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, अपने दिमाग में रखिएगा पार्सन की ये वाली लाइन जो है. एंड दिस फिगर, फिगर वैसे तो बनाते हैं ना कि ये फिगर है, ये तस्वीर बनी हुई है किसी भी आर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पर स्केच, वजाहत. He added eek also there to, इसके बाद वो ये एक वजाहत भी देता इस चीज की एक मकूले के साथ. और वो मकूला क्या है? That if gold rust, पहली बात तो ये कि सोने को जंग नहीं लगता, लेकिन अगर सोने को ही जंग लग जाए, what shall iron do, तो फिर लोहे का क्या हाल होगा? अरे भाई, जो दीन का इल्म रखने वाला है, आलम है, अगर आलम ही करप्ट हो जाए, उसको ही जंग लग जाए, तो आम भेड़े, जो आम लोग हैं, उनका क्या बनेगा? तो ये बड़ी खूबसूरत लाइन जो है वो इसके अंदर जेफरी चौसर ने लिखी हुई है. तो मॉडर्न में देखिएगा, एंड दिस फिगर ही एडिड देयर ऑन टू, और उसके बाद वो ये वाली तशरी करता, फिगर वजाहत करता, के दैट इफ गोल्ड रस्ट, अगर सोने को जंग लग जाए, व्हाट शैल पुअर आयरन डू, तो फिर बेचारे लोहे का क्या हाल होगा. तो आगे जी देखते हैं जी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, फॉर इफ अ प्रीस्ट बी फाउल ऑन हूम वी ट्रस्ट, नो वॉन्डर इज अ ल्यूड मैन टू रस्ट. तो मॉडर्न में देखिएगा, फॉर इफ द प्रीस्ट बी फाउल इन हूम वी ट्रस्ट, व्हाट वॉन्डर इफ अ ले मैन यील्ड टू लस्ट. तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, फॉर इफ अ प्रीस्ट बी फाउल, अगर एक मौलवी, अगर एक आलम फाउल, करप्ट हो जाता है, दो नंबरिया हो जाता है, On whom we trust, तो फिर कौन रह गया है जिस पर ट्रस्ट किया जाए? जो लीडर है वही घटिया निकल आया है. No wonder, तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. Is lewd man, एक layman जो है, एक आम आदमी जो है, to rust, के वो भी करप्ट हो जाए.
अगर लीडर करप्ट हो गया, किताब का इल्म रखने वाला करप्ट हो गया, तो फिर आम आदमी अगर करप्ट हो जाए तो उसमें कुछ मजायका नहीं, उसमें कुछ हैरानी की बात नहीं। तो मॉडर्न में देखिएगा, फॉर इफ द प्रीस्ट बी फॉल इन होम वी ट्रस्ट, हम किस पर एतमाद करें अगर एक किताब का इल्म रखने वाला प्रीस्ट पादरी करप्ट हो जाए तो। What wonder if a layman yield to lust? तो फिर इसमें क्या हैरानी की बात है कि अगर कोई layman जो है yield शिकार हो जाए to lust, हवस का, पैसे की हवस का, औरत की हवस का, या किसी भी किस्म की लालच का, तो वो कहता है कोई फर्क नहीं फिर पड़। Next आगे जी, East Midland में देखते हैं जी, and shame it is if a priest take keep a shitten shepherd and a clean sheep. तो modern में देखिएगा, and shame it is if priest take thought for keep a shit shepherd shepherding clean sheep. होता क्या है? होता तो ये है कि जो एक चरवाहा होता है, चरवाहे को ठीक होना चाहिए तो वो अपनी भेड़ों को खांग कर ले जाता है। अब अगर जो चरवाहा है वो ही करप्ट हो और उसकी जो शीप हैं वो क्लीन हो, तो फिर कहता है सारे के सारे ही शिट बन जाएंगे, सारे के सारे ही करप्ट हो जाएंगे, सारे के सारा निजाम धर्म बरहम हो जाएगा। एंड शेम इट इज, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, इफ अ प्रीस्ट टेक कीप, अगर कोई प्रीस्ट जो है टेक कीप, कीप का मतलब अब यहाँ पे जहन में रखना, रियलाइज करना, अगर कोई प्रीस्ट जो है वो मालोमता हवस को अपने जहन में रखता है तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि अ शिटन शेफर्ड, एक चरवाहा जो है, हकीकत में चरवाहा ठीक हो तो वो अपनी भेड़ों को हांक हांक कर ठीक रास्ते पर ले आता है, लेकिन अगर एक गुमराह चरवाहा हो एंड अ क्लीन शीप, और उसकी जो भेड़ों का रेवड़ है वो सही रास्ते पर हो, तो वो तो उन सबको भी गुमराह कर देगा। तो यही बात अब मॉडर्न में देखते हैं जी, एंड शेम इट इज इफ प्रीस्ट टेक थॉट फॉर कीप, ये शर्मिंदगी की बात है अगर कोई मजहबी लीडर आलम फाजल थॉट फॉर कीप कि वो अपने जहन में हवस रखता है, लालच रखता है, दुनियावी फायदे रखता है, तो फिर अ शिटी शेफर्ड, तो वो एक गुमराह शेफर्ड है, शेफर्डिंग क्लीन शीप, जो के जो क्लीन शीप है उनको शेफर्ड कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे जी, ईस्ट मिडलैंड में देखते हैं जी, वेल ऑट a priest example for to give by his cleanness how that his sheep should live. So modern mein dekhiyega, well ought a priest example good to give by his own cleanness how his flock should live.